गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि डिवीजन कैसे करते हैं। डिवीजन को करने के लिए आपको बस टेबल्स बाय हार्ट याद करने होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर आपकी मैम ने आपको दिया है 9, यहाँ पर अगर 9 लिखा हुआ है तो आप समझ जाना है कि आपको 9 का टेबल मैम ने दिया है, ठीक है। और अगर यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो 9 के टेबल में 1 कहाँ आता है? 9 से तो 9 ही आता है ना, 9 तो थोड़ी ना आएगा। तो आपको दूसरा डिजिट लेना है, आप दो डिजिट भी ले सकते हो, तो 1 और 8 18। तो 9 2 18 होता है। तो आपको क्या करना है, आपको बस 8 और 1 को अंडरलाइन कर देना है एंड 8 के ऊपर लिखना है 2, 8 के ऊपर लिखना है 2, आपको बस 8 के ऊपर 2 लिखना है एंड 18 के नीचे 1 के नीचे आपको 1 ही लिखना है और 8 के नीचे 8 ही लिखना है। तो मैं आपको क्या दिखाती हूँ, आपको 8 के ऊपर 2 लिखना है एंड उसके बाद 18 और 1 को अंडरलाइन करना है। ये 5 है, ठीक है, 5 को मैंने गलती से इसमें जोड़ दिया है। अब मैं 5 को, ये 5 है, ठीक है, 5 को मैंने गलत बना दिया है। अब आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको माइनस करना है, ठीक है। अब मैं आपको एक तो बात बताती हूँ, ये जो डिवीज़न है ना, ये रिपीटली है, मतलब रिपीटली है, ठीक है। तो आप इसे कैसे कर सकते हैं, मतलब जो भी आप वर्ड लिखेंगे वो रिपीट हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 1 से अगर 1 जाएगा तो 0 ही आएगा, 8 से अगर 8 जाएगा तो 0 ही आएगा, ऑब्वियसली ना। आप 5, अब कौन सा डिजिट मतलब 5, तो 5 को नीचे ले लेना है। अब 5 आ गया यहाँ पर, रुकिए, मैं बस ये जो अंडरलाइन है ना, मैं उसमें मिटा रही हूँ। मैं सभी अब यहाँ पर तो 5 आ गया, ठीक है। अब आप माइनस साइन कैसे सीख सकते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। अब आपको ले लेना है 5, आपको टॉप में रखना है एंड 2 इधर रख देना है, ठीक है, और आपको माइनस का साइन बना देना है एंड आपको इसमें से माइनस करना है। अब कौन सा डिजिट आएगा, ऑब्वियसली 3। यहाँ पर आपको ऑब्वियसली कौन सा नंबर लिखना है, इसका आंसर आएगा 3। ये तो नर्सरी का बच्चा भी जानता होगा। तो आप ऐसे करके सम्स भी सीख सकते हैं, डिवीजन सम्स भी सीख सकते हैं एंड ये वाला सम भी सीख सकते, मतलब माइनस सम भी सीख सकते हैं। तो आपको क्यों मिली, तो आपको क्यू में लिखना होगा, क्यू का मतलब होता है कोटे। तो आपको क्यू में लिखना है 2 एंड ये आर है, ये रिपीट है, रिपीट, ठीक है, रिपीट होगा। तो आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 लिखना है, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना होगा, 5। 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, इसलिए आपको 0 नहीं लिखना। तो ये आपका माइनस सम भी हो जाएगा और डिवीजन भी हो जाएगा। तो इससे आप बहुत चीज़ें सीख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ बहुत, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है बहुत यहाँ पर। तो आप ये दोनों चीज़ें सीख सकते हैं। तो अगर आपको ये चीज़, अगर आपको मेरी मैथ्स की पढ़ाई और जाननी है तो प्लीज़ मुझे लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना एंड अगर आपको और मैथ्स की चीज़ें सीखनी है तो प्लीज़ मुझे मेरी वीडियोस को बेल आइकन को प्रेस कर देना बस, एंड मेरी जो भी नई वीडियो आएगी वो जो भी वीडियो आएगी आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो
अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ऑब्वियसली, ताकि हर मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी जल्दी मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। एंड आप इसे ध्यान से देख लीजिए, क्या पता आपकी टीचर मैम ने भी आपको दिया हो, नहीं तो आप अपनी मम्मी को बोलेंगे ये क्या सिखाती है, हैं दिखाई भी नहीं। जैसे गौर से देख लीजिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।